मुख्यमंत्री बनने के साथ मोहन यादव ने सालों पुराना मिथक तोड़ दिया। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 16 दिसंबर की रात उज्जैन स्थित अपने घर पर बिताई और इसी के साथ 211 साल पुराना मिथक टूट गया। मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से यह माना जाता है कि कोई भी सत्ता पर बैठा शख्स उज्जैन में रात नहीं बिता सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है और दूसरा कोई राजा उनकी नगरी में रात को नहीं रुक सकता। मोहन यादव ने न सिर्फ इस मिथक को तोड़ा बल्कि ये भी कहा कि आगे भी वो उज्जैन में रुकेंगे। मोहन यादव ने कहा कि मैं उज्जैन का बेटा हूँ, बाबा महाकाल पिता हैं, मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करूँगा। मैं बाबा महाकाल का सेवक हूँ, ना कि मुख्यमंत्री। मोहन यादव 16 दिसंबर की रात उज्जैन पहुँचे थे जहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के साथ ही ये सवाल सभी के मन में उठ रहा था कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव रात बिताएंगे या नहीं। उज्जैन के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम की कुर्सी संभालने के दो दिन के भीतर ही इस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने मिथक तोड़ने से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 211 साल पहले इस मिथक को तत्कालीन राजा दौलत राव सिंधिया ने बनाया था। मोहन यादव ने बताया कि तत्कालीन राजा महाद जी सिंधिया ने निधन के बाद दौलत राव सिंधिया अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर ले जाना चाहते थे, इसके चलते उन्होंने यह मिथक बनाया। उन्होंने लोगों को बताया था कि उज्जैन में राजा एक ही है, बाबा महाकाल, इसीलिए दो राजा उज्जैन में निवास नहीं कर सकते। डॉक्टर यादव ने कहा कि यह मिथक झूठा है, इसका शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री उज्जैन के गीता कॉलोनी इलाके में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। उनके दो भाई हैं और एक बड़ी बहन है। शनिवार को पूरे परिवार के साथ मोहन यादव ने रात्रि विश्राम किया व देर रात तक उज्जैन में आयोजित स्वागत रैली में आम लोगों के बीच रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के हफ्ते भर बाद बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था, जहां शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गजों का नाम रेस में चल रहा था, वहां मोहन यादव का नाम किसी ने सोचा भी नहीं था। खुद मोहन यादव ने भी नहीं सोचा था कि उन्हें मुख्यमंत्री की कमान मिलने जा रही है।